तो मेरा न्यू ब्लॉग है। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो गाइस देखिए, आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं चूल्हा का, चूल्हा धराए हुए है। देखिए ठंडा का मौसम में कैसा चूल्हा धरता है, और कहाँ है, मेरे घर में रखे हुए हैं, देख लीजिए। और इस पे बना रहे हैं गाइस मटर की रोटी। देखिए हम अभी मटर आपके सामने फ्राई करके रखे हैं, देखिए इसको भूज लिए हैं, भूज के इसको भर ले रहे हैं, भर के अब इसमें देखिए घी लगाएंगे, इसको भर के सेक रहे हैं, सेक रहे हैं क्या चीज से गाइस, घी से। देखिए देसी घी है, इतना टेस्टी लगेगा ठंडा में, आप लोग जरूर खाइएगा कभी भी। और चूल्हा होगा आप लोग पास व्यवस्था, तो आप लोग चूल्हा भी बना सकते हैं। हम लोग गाइस ठंडा में चूल्हा से ही व्यवस्था करके ठंडा काटते हैं, नहीं तो ठंडा मार देगा। देखिए हम नाइटी पहने, हमको ठंडा नहीं लगा, अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा किया है, लेकिन हम बैठे हैं, ये कोयला का आँच है, इसी पे बैठे, यहीं पे बैठे हैं, इसीलिए ठंडा नहीं लग रहा है। और देखिए मेरा मटर का रोटी कितना अच्छा सिखा रहा है घी में, देखिए आपको भी दिखा रहे पलट के, ये देखिए देखिए गाइस। तो आप लोग ठंडा में किस कौन कौन मटर का रोटी खाते हैं कमेंट कीजिएगा, और नहीं खाते तो जरूर बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। इसके साथ टमाटर का चटनी खाइए, हम टमाटर का चटनी भी बनाए गाइस, अभी बता रहे हैं, देखिए टमाटर का चटनी, वो भी मीठा वाला। और यहाँ देखिए मेरा बन चुका है मटर का रोटी, देखिए गर्मा गर्मा। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसको इस तरह भरा जाता है, आप लोगों को भर के भी दिखा देते हैं किस तरह भरा जाता है। इस तरह लोया कर लीजिए, और इस तरह कर लेने के बाद इसमें देखिए इस तरह मटर को पूरा ज़्यादा भर दीजिएगा, ताकि खाने में टेस्टी लगे। और इसको ऐसे ऐसे दाब के और ऐसे ऐसे गोल कर दीजिएगा, बन गया। अब इसको ऐसे करके बेल दीजिए। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर इसका पूरा रेसिपी आप लोग के साथ लेके आएंगे। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।